उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई जारी रहेगी। इस केस के मुख्य आरोपी एवं ऐप के पार्षद रहे ताहिर हुसैन ने अर्जी दायर कर सुनवाई तब तक स्थगित रखने की मांग की थी जब तक दंगे की साजिश के मामले में आरोप के बिंदुओं पर आदेश पारित नहीं हो जाते। उनकी ये अर्जी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के कोर्ट में खारिज कर दी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 जनवरी 2024 को सुनी जाएगी। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे में 53 लोग मारे गए थे। इसे लेकर ईडी ने ताहिर हुसैन के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। उसमें आरोप लगाया था कि ताहिर हुसैन ने 3 डमी कंपनी बनाकर अवैध तरीके से 1.59 करोड़ रुपए जुटाए थे। उस धन को उसने उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगा भड़काने के लिए लोगों में बांटा था। इस मामले में मार्च 2022 में ताहिर के खिलाफ आरोप तय हो चुका है। एक सह आरोपित इस केस में सरकारी गवाह बन चुका है। हाल ही में ताहिर की ओर से कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी कि इस केस में सुनवाई को तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाए जब तक दंगे की साजिश के मामले में आरोप के बिंदुओं के संबंध में आदेश पारित नहीं हो जाते। साथ ही बताया था कि साजिश के मामले में आरोप के बिंदुओं पर कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा हुआ है। ईडी ने इसका विरोध किया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ताहिर की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी थी।